हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं मतियस पहान। तो दोस्तों, आप सबों को मेरे छोटा सा किचन में तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ गाजर का हलवा। जी हाँ, आपने सही सुना, गाजर का हलवा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं ए टू जेड इसका रेसिपी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 300 ग्राम मैंने गाजर लिया है और 30 ग्राम किशमिश है, 50 ग्राम मूंगफली है, 50 ग्राम बादाम है और 500 ml दूध है। ओके, तो दोस्तों चलिए अगला स्टेप को बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने एक चम्मच घी लिया है और मेरा घी गर्म हो गया है। मैंने 300 ग्राम लिया है ये गाजर, ठीक है। तो दोस्तों, गाजर को मैंने छोटा छोटा कद्दूकस कर लिया, ठीक है। दोस्तों, आप ऐसा भी बना सकते हैं, अगर कुकर में इसको 10 मिनट कुक करेंगे तो फिर आपका गल जाएगा, उस तरह से भी बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने उस तरह नहीं किया, मैंने कद्दूकस कर लिया, ठीक है। अब इसको हमें भून लेना है। ओके गाइस, इसको इस तरह से पकाना है। दोस्तों, ये आपका 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो गाजर है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसको कवर करके रखते हैं। ओके, तो दोस्तों मेरा 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट कवर करने के बाद दोस्तों, ये मेरा आधा पक, यानी कि पक गया है कि नहीं। और दोस्तों, आधा पक गया, उसके बाद इसे हमें इसमें हमें दूध ऐड करना है। दोस्तों, मैंने 500 ग्राम दूध लिया है और इसको उसी में ऐड कर देनी है। ओके, और ये मेरा 50 ग्राम चीनी लिया है। ओके गाइज, दोस्तों चीनी ज़्यादा नहीं लेना है, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ओके, और ये आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। ओके गाइज, और ये आपका 5 ग्राम आसपास इलायची पाउडर, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद इसको हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और इसको फिर से हमें पकाना है और फिर से हम इसको कवर करके रखते हैं। ओके, फिर से 5 मिनट तक इसको कवर करके रखेंगे। ओके, ताकि बढ़िया से पक जाए। ओके गाइस, तो दोस्तों मेरा 5 मिनट हो गया है और ये मेरा उबलना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसको बीच बीच में मिलाते रहना है, नहीं तो फिर आपका जो है ना, बहुत जल्दी पकड़ लेगा नीचे, ठीक है। क्योंकि दूध है ना, दूध बहुत ही जल्दी जलने वाला चीज़ है। ओके, तो इस तरह से हमें पका लेना है। फिर से दोस्तों कवर करके रखते हैं, फिर से 5 मिनट उसको कवर करके रखते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से अब बीच बीच में इसको मिलाते रहना, हिलाते रहना है, नहीं तो फिर आपका जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो दोस्तों चलिए अभी और मिलाते हैं इसमें और कुछ। ये मेरा 50 ग्राम काजू है और 50 ग्राम मूँगफली है और ये 30 ग्राम किशमिश है। ओके गाइस, अब मेरा थोड़ा सा पक गया है जो कैरेट जो है ना, वो मेरा पक गया थोड़ा सा, अभी थोड़ा बाकी है। तो उसी टाइम इसको हम ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसको उसी में ऐड करनी है। ओके, अब इसको फिर से मिला के फिर से कवर करेंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है। फिर से दो से 3 मिनट तक लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि बढ़िया से एक दूसरे में घुल मिल जाए, है कि नहीं। दोस्तों, मेरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पका लिया है और सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को डिटेल में बता दिया हूँ। आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि नहीं। तो दोस्तों, ये लास्ट में थोड़ा सा हमें पाउडर वाला दूध लेना है, ठीक है। तो उसमें हम मिला देंगे फिर से, ठीक है। तो इस तरह से मेरा रेसिपी रहा। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। ओके गाइस, दोस्तों लास्ट में हम थोड़ा सा उसमें घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से ना आपका टेस्ट में 4 चंद लग जाता है। ओके दोस्तों, इस तरह से मैं सारा डिटेल में आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अब मेरा गाजर का हलवा जो ना बन के रेडी हो गया है कि नहीं। दोस्तों, इस तरह देख रहे हैं, बहुत ही मस्त, जबरदस्त और फैंटास्टिक गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। ओके दोस्तों, आप लोग से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोग हलवा खाने का शौकीन है तो फिर आप लोग अपना घर में इस तरह से बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है और बहुत ही कम समय में ये जो हलवा है ना बन के रेडी हो जाता है। दोस्तों, मैं प्लेट में निकाल के रखता हूँ, देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत ही कमाल का लग रहा है और देखने से ही मुँह से पानी आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा रेसिपी रहा। दोस्तों, आप लोग से मैं गुजारिश करना चाहूँगा फिर से, अगर आप लोग मेरा फेसबुक पेज में नए हैं और यूट्यूब चैनल में भी नए हैं, फिर मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन सबको हर दिन आपको मिलता रहे और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों से मैं इस वीडियो में इतना ही, अगला किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू।